नमस्ते बच्चों, पिछली वीडियो में हमने आपको अधिगम का अर्थ बताया था। अब हम आपके सामने अधिगम की परिभाषा लेकर उपस्थित हुए हैं। देखते हैं विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम की क्या परिभाषा दी है और किस प्रकार दी है। तो सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो ने बताया है, सीखना आदतों, अभिवृत्तियों और ज्ञान का अर्जन है। आदत, जब कोई काम हम बार बार करते हैं तो बार बार करने के कारण वह आदत बन जाते हैं और आदत के परिणाम स्वरूप वह कार्य स्वतः ही होते चले जाते हैं। नेक्स्ट अभिवृत्ति नजरिया या दृष्टिकोण। नेक्स्ट है ज्ञान यानी जिज्ञासा या जानना। ठीक है, इस प्रकार हम इस परिभाषा को ऐसे याद कर सकते हैं, क्रो एंड क्रो की परिभाषा आपने कब याद करी? आज, यानी डबल ए जे। तो एक ऐसे आपका हो गया आदत, एक ऐसे आपका हो गया अभिवृत्ति, और जैसे हो गया आपका जानना या जिज्ञासा। ठीक है, इस प्रकार हम इसको याद कर सकते हैं। ये डेफिनेशन किसने कही है? क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट डेफिनेशन है गिलफोर्ड यानी जेपी गिलफोर्ड। इन्होंने क्या बताया है? व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। यानी व्यवहार के कारण किस में परिवर्तन आया? व्यवहार में, तो वो हमारा क्या हुआ? अधिगम। देखिए हम इसको किस प्रकार समझ सकते हैं। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, यानी पहले वाले व्यक्ति ने दूसरे वाले व्यक्ति को गुड मॉर्निंग बोला, तो दूसरे वाले व्यक्ति ने भी रिटर्न में उसको गुड मॉर्निंग बोला। तो दूसरे वाले व्यक्ति ने क्यों बोला? क्योंकि पहले वाले व्यक्ति ने गुड मॉर्निंग बोला। तो जो व्यवहार दूसरे वाले व्यक्ति ने किया तो वो क्यों किया? क्योंकि पहले वाले व्यक्ति ने वो गुड मॉर्निंग बोला था। इसी कारण हम जो व्यवहार करते हैं तो जो व्यवहार पहले वाला व्यक्ति करता है उसी के कारण हम दूसरा व्यवहार करते हैं। तो इसीलिए इसको हम समझा सकते हैं कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही हमारा अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी हुई विलियम वुडवर्थ की। विलियम वुडवर्थ ने अपनी परिभाषा को दो भागों में बांटा है। पहली परिभाषा है अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है, दूसरी है नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करना या प्राप्त करना ही अधिगम कहलाता है। देखिए पहली बात इन्होंने क्या बताई है, अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। यानी जब तक आप किसी भी काम को सीखते हैं और उसमें विकास नहीं हो रहा है तो वह काम हम कोई भी अच्छी तरीके से नहीं कर सकते, उसे हम अधिगम नहीं कहेंगे। अधिगम के लिए विकास का होना आवश्यक है। नेक्स्ट है नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना ही अधिगम कहलाता है। यानी कोई भी जब हम नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं तो नवीन ज्ञान प्राप्त करने के बदले में नवीन रिस्पॉन्स नवीन प्रतिक्रिया जरूर करते हैं, इसे ही हम अधिगम कहते हैं। ना एक चीज और देखिए, विलियम वुडवर्थ ने मनोविज्ञान के विकास क्रम के बारे में बताया है। उन्होंने पहले बताया था कि मनोविज्ञान में पहले उन्होंने आत्मा का त्याग करा, फिर उन्होंने मन का त्याग करा, फिर उन्होंने चेतना का त्याग करा और अंत में उन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताया। उसी व्यवहार के विज्ञान के आधार पर इन्होंने अपनी जो परिभाषा बताई है वे दो भागों में बांटी है। अच्छा, पहले मैंने बताया आपको विकास की प्रक्रिया, दूसरे में बताया नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना। तो देखिए हम इसको हम कैसे याद कर सकते हैं। पहले में आया विकास, तो मान लीजिए विलियम और वुडवर्थ दो व्यक्ति हैं, तो विलियम ने क्या बताया? विकास के बारे में बताया। तो विलियम में सबसे पहले क्या आया? वी। क्या आया? वी। तो वी से क्या हो गया? विकास। आप इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं, वी में क्या आया? विकास। ठीक है ना, तो आप कर सकते हैं, अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। दूसरा देखिए वुडवर्थ में वा कितनी बार आया है? दो बार, पहला वा बू और फिर दूसरा आया वर्थ। तो पहले वाला वा का मतलब हो गया नवीन ज्ञान और दूसरे वाला वा का मतलब हो गया नवीन प्रतिक्रिया। तो इस तरीके से आप अधिगम की परिभाषा को याद कर सकते हैं। तो ये परिभाषा हमारी हुई विलियम वुडवर्थ की। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी बी एफ स्कीनर। इन्होंने क्या बताया है? अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। यानी इन्होंने बताया है उत्तरोत्तर यानी सीढ़ी दर सीढ़ी और अनुकूलन यानी समायोजन, अधिगम व्यवहार में लगातार अनुकूलन की प्रक्रिया है। हाँ, एक बात और हम बताएं आपको, हमारे मनोविज्ञान में जो है स्कीनर नाम के कई व्यक्ति हैं,
पहला है चार्ल्स स्कीनर, स्कीनर, बीएफ स्कीनर, मेटफॉर स्कीनर। 2007 में एक क्वेश्चन आया था सीटेट में, थर्ड ग्रेड में पूछा गया था कि क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया था। ये चार ऑप्शन आ गए थे, चार्ल्स स्कीनर, स्कीनर, बीएफ स्कीनर, मेटफॉर स्कीनर। तो इस प्रकार जो हमारे बीएफ स्कीनर ने डेफिनेशन दी है मनोविज्ञान में, वो दी है अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर या अनुकूलन की प्रक्रिया है। तो देखिए स्कीनर, इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए सुनिए, स्कीनर यानी स्कीनर में क्या आ रहा है पीछे, नर। तो नर ही ये क्या कर सकता है, अनुकूलन का कार्य। तो इस प्रभाव से वो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है गेट्स की, देखते हैं इन्होंने क्या बताया है। प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। यानी प्रशिक्षण और अनुभव के कारण क्या होता है हमारे व्यवहार में परिवर्तन। प्रशिक्षण यानी जब का कोई भी हम ट्रेनिंग लेते हैं तो उससे हमारे अंदर एक अनुभव जागृत होता है और इन प्रशिक्षण और अनुभव के फलस्वरूप हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो इसी परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं। देखिए इस परिभाषा को हम कैसे सरल करके समझते हैं गेट्स ने। गेट्स मतलब क्या हुआ, गेट यानी दरवाजा। जब हम कॉलेज में सबसे पहले आते हैं, गेट से आते हैं, तो कॉलेज में आकर हम क्या लेते हैं, प्रशिक्षण, और उस प्रशिक्षण से क्या होता है, अनुभव का जन्म होता है। तो इन प्रशिक्षण और अनुभव के दोनों के फलस्वरूप हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। इसी व्यवहार में आए हुए परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही।